हेलो एवरीवन, मैं हूं नेहा एंड वेलकम टू माय चैनल। सो आज के इस वीडियो में आपके साथ शेयर कर रही हूं ऑथेंटिक चाय का मसाला। सो फ्रेंड्स, ये जो रेसिपी है ये दादी नानी के ज़माने की पुरानी ऑथेंटिक रेसिपी है, जिसमें आपके साथ टोटल 8 से 9 मसाले हैं। कौन कौन से मसाले हम यूज़ करते हैं चाय का मसाला प्रिपेयर करने के लिए। ये जो चाय का मसाला है ये 100 से भी ज़्यादा बीमारियों से दूर रखेगा, स्पेशली ऐसे फ्लू वाले और वायरस वाले टाइम में आप इस तरह के घर के मसालों से अपनी बॉडी को, अपनी सेहत को अच्छा रख सकते हो। इसे बनाना बहुत ही आसान है, तो चलिए फटाफट से इस रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा फ्रेंड्स और फैमिली के साथ एंड सब्सक्राइब कीजिएगा मेरे चैनल को। यहाँ पर चाय का मसाला बनाने के लिए जो इंग्रेडिएंट या मसाले हम जो यूज़ करने वाले हैं उनके सारे नाम मैं आपको बता देती हूँ कि कौन कौन से मसाले हम चाय का मसाला बनाने के लिए प्रिपेयर करेंगे, जो ज़रूरी मसाले हैं चाय के मसाले को प्रिपेयर करने के लिए। तो यहाँ पर मैंने ली है जायपत्री, मुलेठी, काली मिर्च, लौंग, सौंठ, 2 जायफल लिए हैं, 4 से 5 बड़ी इलायची ली है, हरी इलायची मैंने ली है यहाँ पर थोड़ी सी, और यहाँ पर हमने यूज़ किया है दालचीनी, जो कि इस वक्त आपको इस थाली में दिख नहीं रहा है बिकॉज दालचीनी का पाउडर मेरे पास ऑलरेडी बना हुआ रखा है, सो मैं यहाँ पे उसे शो करना बिल्कुल भूल गई हूँ। यहाँ पर मैंने ली है तुलसी के कुछ पत्ते लिए हैं और कुछ जो मांजर होती है तुलसी में, तो मैंने ड्राई मांजर यूज़ की है। यहाँ इंग्रेडिएंट है, इन सबसे मिलकर एकदम परफेक्ट चाय का मसाला बनकर प्रिपेयर होगा, जो कि पारंपरिक चाय का मसाला है। पुराने जमाने में हमारी दादी नानी भुआ इसी तरह से चाय का मसाला प्रिपेयर करती थी, जो कि बहुत सारी बीमारियों से हमें दूर रखेगा, सेहत के लिए तो अच्छा होता ही है और फुल ऑफ टेस्ट, फुल ऑफ फ्लेवर इसमें होता है। सो ये बहुत ही, यकीन मानिए, बहुत ही डिलीशियस है। एक बार इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिए। सारी चीज़ें क्वांटिटी में लगभग 50 ग्राम है, लेकिन मैंने यहाँ पर लौंग और काली मिर्ची को थोड़ा कम यानी कि 30-30 ग्राम के अप्रोक्स यूज़ किया है। अच्छा, अब हमें क्या करना है, इन मसालों को हमें थोड़ा सा रोस्ट करना है, बिल्कुल भी हमें इन्हें जलाना नहीं है, सेकना नहीं है, इन्हें सिर्फ हमें हल्का सा रोस्ट करना है, ड्राई करना है, ताकि इनके अंदर जो है थोड़ा सा कड़कपन आ जाए। या तो आप कर सकते हो कि आपके यहाँ बहुत तीखी धूप है तो आप तीखी धूप में एक दिन भर के लिए इन्हें छोड़ दीजिए, ताकि इनके अंदर जो है बहुत अच्छी सी धूप, बहुत अच्छे से इनकी सिकाई हो सके और अच्छा सा कड़कपन इनके अंदर आ सके। अगर ऐसा नहीं पॉसिबल है तो जैसा मैं बता रही हूँ वैसा हल्का सा इन्हें रोस्ट कर लीजिए। हाँ, अभी बिल्कुल भी बहुत टाइम से धूप नहीं आ रही, इसलिए मैं इसे धूप में नहीं दे सकी, इसलिए मैं हल्का सा तुलसी के पत्तों को भी रोस्ट कर रही हूँ। अदरवाइज इसको रोस्ट करने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, आप धूप में भी इसे ड्राई कर सकते हो। ये आती है मसालों को कूटने की, तो यहाँ पर कूटने के लिए मेरे पास बहुत ही पारंपरिक दादी नानी के टाइम का इमानदस्ता रखा हुआ है, इसका यूज़ कर रही हूँ। अगर आपके पास इस तरह का इमानदस्ता नहीं है तो आपको पहले इन मसालों को किसी भी स्टोन की हेल्प से तक आप इस तरह से पीस लीजिए, यानी हमें इसे कोर्स फॉर्म में लेकर आना है, क्योंकि अगर आप डायरेक्ट मिक्सी का यूज़ करेंगे तो आपकी मिक्सी डेफिनेटली ख़राब हो सकती है। तो मैंने यहाँ पर ईमानदस्ते में सारे मसाले को डाला है एक्सेप्ट जायफल, नटमेग को। अदरक किसने वाला ग्रेटर होता है उसकी हेल्प से हम इसे ग्रेट कर लेंगे, तो ये ऑलरेडी हमें बाइन फॉर्म में मिल जाएगा। के बाद जो बाकी का 20-30% बचेगा वो हम मिक्सी की हेल्प से इसे ग्राइंड करेंगे। तो इस तरह से हमें पूरे मसाले को ग्राइंड कर लेना है, इसका इस तरह का कोर्स फॉर्म में हमें इसे लेकर आना है। यहाँ पर हमारा ट्रेडिशनल चाय का मसाला बनकर बिल्कुल रेडी है। ये जब आप एक बार बनाएंगे ना तो पूरा घर इसकी खुशबू से महक उठेगा। पिंच ऑफ मसाला ही हमें चाय में यूज़ करना होता है।